अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और मेरे चैनल RPSC A to Z पर। अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान पुलिस की भर्ती की परीक्षा संपन्न हुई थी कड़े इंतजामों और सुरक्षा के बीच में, और इस बार ऐसा लग रहा था कि कोई चूक नहीं होगी और बिना किसी अड़चन के ये भर्ती समय पर पूरी हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। राजस्थान पुलिस भर्ती भी अब संकट में फंसती हुई नज़र आ रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, गृह सचिव और DGP से पूछा है कि 15 जुलाई को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों का प्रश्न पत्र गलत बंटने से ये लीक हो गया था, अतः इस परीक्षा को रद्द कर क्यों न पुनः आयोजित किया जाए। तो हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों ना यह परीक्षा दोबारा करा ली जाए, सरकार से जवाब मांगा है। रीट और सेकंड ग्रेड की तरह ही ये भर्ती परीक्षा भी अब कोर्ट में जा चुकी है। राजस्थान पुलिस भर्ती भी कोर्ट में अटक चुकी है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। न्यायाधीश VS सिराधना ने मुकेश जाट व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थी पक्ष के जो वकील हैं वो हैं डॉक्टर सुमन शर्मा, जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने भी आवेदन किया था। उन्होंने 12 जिले में परीक्षा दी थी, 12 कोटा, स्वाईमाधोपुर व जयपुर के भवानी निकेतन कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक हो गया था। 15 जुलाई को शाम की पारी में बंटने वाला प्रश्न पत्र सुबह दे दिया गया था, जबकि सुबह का प्रश्न पत्र शाम को दिया गया। इसी वजह से याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। याचिकाकर्ता अपनी जगह ठीक है, क्योंकि पेपर बांटने में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बेरोजगार युवाओं के लिए ये बड़ी तकलीफ़ की बात है, क्योंकि वो पहले तो महीनों तक तैयारी करते हैं और फिर इतनी परेशानी उठाकर दूर दूर उनका सेंटर आता है, वहाँ पर वो परीक्षा देने जाते हैं और लास्ट में उनको ये खबर मिलती है कि भर्ती में गड़बड़ी हो गई है, भर्ती कैंसिल हो सकती है। इससे उनका मनोबल बिल्कुल टूट जाता है। फिलहाल मंजर ये है कि जो बेरोज़गार साथी हैं, ना तो उनको सरकार पे भरोसा रहा है, ना ही किसी बोर्ड पे भरोसा रहा है। और पेपर देने में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, जबकि परीक्षा के समय अभ्यर्थियों की चप्पलें और शर्ट और टी शर्ट्स भी खुलवा ली गई थी, उनके कान के आभूषण भी खुलवा लिए गए थे, तो पेपर बांटने में इतनी भारी गड़बड़ी हुई कैसे? हो सकता है ये जानबूझकर किया गया हो या जानबूझकर करवाया गया हो ताकि भर्ती को लटकाया जा सके। अभी मामला कोर्ट में चला गया है तो हमें देखना होगा कि इस पर क्या फैसला आता है और जांच में क्या निकलकर सामने आता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।